आज चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो गया। छिटपुट घटनाओं की छोड़ दे तो सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, लेकिन लखीसराय में वोटिंग की फोटोग्राफी वायरल होने पर चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। बाकी 3 दिन चरणों के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने नया फरमान जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार में अगले चरणों में मोबाइल इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अब 5वें, 6ठे और 7वें चरण में वोटर मोबाइल लेकर मतदान केंद्र नहीं जा सकते हैं। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। मोबाइल लेकर मतदान केंद्र के अंदर नहीं जा सकते हैं। अब 5वें, 6ठे और 7वें चरण में वोटर मोबाइल लेकर मतदान केंद्र के अंदर नहीं जा सकते हैं। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल लेकर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। बता दें कि लखीसराय लोकसभा क्षेत्र से ईवीएम का फोटोग्राफी वायरल होने पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया है। आयोग का कहना है कि मतदान केंद्र पर मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने लखीसराय जिला अधिकारी को इस मामले की जांच करने का आदेश भी दिया है। दरअसल लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र अंतर्गत भोक्सा गांव में कुछ लोग वहां जबरदस्ती पोलिंग करा रहे थे और इसकी तस्वीर वायरल हो गई। नेशन भारत के न्यूज रूम से मैं नेहा कुमारी की रिपोर्ट। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेशन भारत।